जबलपुर की ऐतिहासिक धरोहर पहचान है। इसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण शहर को नए आयाम देगा। इस काम में जो भी फंड लगेगा उसमें मैं बढ़ चढ़ कर सहयोग करूंगा, यह कहना है जबलपुर से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनख्वा का। और साथ में वही भूमि पूजन के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। जबलपुर के बड़ा फव्वारा, घंटा घर, कमानिया गेट सहित ऐतिहासिक स्थल एवं पहचान है और इन सभी के जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण की आवश्यकता हमेशा महसूस की जाती है, जिसे देखते हुए मिलोनीगंज स्थित छोटा फव्वारा का सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। विधायक विनय सक्सेना के प्रयासों से जीर्णोद्धार के साथ साथ यहां के मंदिर का नवनिर्माण, साथ ही में यहां की सड़कों को बनाने का काम आरम्भ हुआ है। दलगत राजनीति से हटकर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में नगर विकास में सहयोग करने का आह्वान किया। जबलपुर से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के लोकसभा सांसद सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने शहर विकास एवं छोटा फव्वारा सहित अनेक स्थलों के सौंदर्यकरण एवं जीर्णोद्धार में बढ़ चढ़ कर सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। मैंने आग्रह किया था कि मुझे जल्दी से यहाँ से फारिग करें, क्योंकि मुझे 2 घंटे में दिल्ली पहुँचना है और आज 3 लाइन है, सीधे पार्लियामेंट हाउस जाना है। मैं कुछ इतारे से जबलपुर आया था, अति सम्मान्य मंच, मैं तो यहाँ विनय भाई के आग्रह पर आया हूँ। विनय भाई तो मैं तब से जानता हूँ जब ये कॉलेज में थे और एक अंदर से इनको ऑलवेज चाहत थी कि मैं कुछ करूं, कुछ अच्छा करता रहता। जब उन्होंने मुझे बताया और उस दिन लखन भाई से बात हो रही थी, हम लोग सब बात कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि हम लोग छोटे फव्वारे के सौंदर्यकरण, यहाँ का जो रास्ते हैं, हनुमान जी का मंदिर है, हम इस सबको और अच्छी अच्छा सुंदर बनाना चाहते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है विनय भाई, कि आप तो अपने शहर को सुंदर बना रहे हो। तो मैंने विनय भाई से कहा, आप मेरे से क्या अपेक्षा करते हो? तो विनय भाई ने कहा, आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आप इसमें हमारा कुछ योगदान करें। तो मैंने उसी वक्त उनको बोला था कि विनय भाई, मैं अपने जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है संसद लैब का, उसमें से मैं आपको 10 लाख रुपए इस चीज के लिए दे दूंगा। और क्योंकि ये जो कार्य हो रहा है ये शहर का कार्य है, और पैसा बचेगा तो मैं और भी दे दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। मैंने भैया से कहा 15-20 लाख देना है, लेकिन मार्च में दे दीजिए, उसके अगले मार्च में नहीं देंगे। बड़े हर्ष का विषय है कि आज मिलोनीगंज छोटे फव्वारे का पुनर्निर्माण का भूमि पूजन का कार्यक्रम आज छोटे फव्वारे में संपन्न होने जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हमारे नगर के प्रसिद्ध एडवोकेट, पूर्व में जनरल रह चुके, अभी वर्तमान में हमारे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई लखन गंगोरिया जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक भाई विनय सक्सेना जी, हमारे पूर्व विधायक भाई नीलेश अवस्थी जी, पूर्व महापौर भाई प्रभात साहू जी, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आज कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय व्यवसायी, यहाँ के नागरिक, माताएं बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में छोटे फव्वारे का स्वरूप मिल गया था, नगर की पहचान है, बहुत पुराना इतिहास है छोटे फव्वारे का। आज पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है, इसके लिए हम भाई विधायक विनय सक्सेना जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। जैसा कि हमने सभी क्षेत्र की मांग थी और सभी की मंशा थी, और मैंने पहले ही कहा था कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। आज भाई अनिल तिवारी जी, पूरे क्षेत्र की जनता,
आदरणीय प्रभात साहू जी हमारे बीच में, आज आदरणीय विवेक तनखा जी, लखन गनगौरिया जी, अब आपने देख रहे हैं ये हम लोग सब जबलपुर वासी जो जबलपुरिया हैं ये इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। यहाँ कोई पार्टी जाति और धर्म का भेद नहीं है, छोटा फुहारा हमारी पहचान है, हमारी पहचान थी और आने वाले परसों बरस तक जब तक दुनिया है ये छोटा फुहारा एक बहुत ही सुंदर स्वरूप में रहेगा। हमारे कटरा वाले हनुमान जी का मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा, पूरे आसपास की सड़कें जो है नई बनेगी, जिससे आने वाले समय लोग की जो पहचान है छोटा फुहारा, जिससे जबलपुर जाना चाहता है बड़ा फुहारा हनुमान ताल, हम इन सब चीज़ों का एक के बाद एक जीर्णोद्धार करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, जिससे जबलपुर की जो अमिट पहचान है वो बनाए रख सकें। मैं सभी क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी आत्मीयता के साथ बगैर किसी भेदभाव के हमारे इस कार्यक्रम में सहभागिता की है और एक नया इतिहास जबलपुर जो है दूसरे शहरों में हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं इस बात की धारणा को मजबूत किया।